नमस्कार। हर साल 29 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है और आज इस साल इस दिन का शीर्षक है प्रीशियस टाइम, यानी कि अमूल्य। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्ट्रोक यानी कि स्ट्राइक, ठक, ये एक एक्सीडेंट है, आघात है। स्ट्रोक, जिसे आम भाषा में लकवा मार जाना, अतरंग, पैरालिसिस और न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है, इसे आम भाषा में दिमाग का दौरा भी कहा जाता है। आज हम आपको स्ट्रोक के बारे में बताएंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, वो किन किन कारणों से हो सकता है, किन लोगों में स्ट्रोक के होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या चीजें करनी है हमें उससे बचने के लिए, उसके लक्षण क्या होते हैं, उनके लक्षणों को सही समय पर पहचानना है और मरीज को अस्पताल में लेके आना है। तो आइए जानते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो मैं आपको इस मॉड्यूल की सहायता से समझाना चाहती हूँ कि जो स्ट्रोक होता है वो दो किस्म का होता है। पहला जो स्ट्रोक होता है वो इस्मिक स्ट्रोक होता है, दूसरा वाला हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। तो ये हमारा दिमाग है और ये दिमाग की नसें हैं। मान लो अगर किसी नस में खून की गांठ या फिर कोलेस्ट्रॉल की गांठ जम जाए तो इसके आगे वाले एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और वो एरिया डेड हो जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया का जो भी काम है वो हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। दूसरा टाइप का स्ट्रोक जो होता है उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। मान लो अगर नसों के कमजोर होने की वजह से या इसमें कई बार गुब्बारा बनने की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो दिमाग की नसें हैं वो फट जाती है, उनके फटने की वजह से एक जगह पे बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रोक के कारण। जैसे कि आपको पता है स्ट्रोक के दो प्रकार होते हैं। पहला हेमरेजिक स्ट्रोक, इसमें खून की नस जो होती है वो फट जाती है। इस्कीमिक स्ट्रोक, इसमें खून का बहाव रुक जाता है। इस्कीमिक स्ट्रोक, स्ट्रोक के कई कारण होते हैं। पहला, अगर कोई हृदय रोगी है या कोई मधुमेह की शिकायत है किसी रोगी को, और कारण है अनियंत्रित उच्च रक्तचाप और अनियंत्रित मद्यपान। अब मैं आपको बताऊंगी स्ट्रोक के जोखिम कारक। पहला है खराब जीवन शैली और कुछ अपरिवर्तनीय कारक हैं, जैसे कि बढ़ती आयु। समस्या पुरुषों में ज़्यादा देखी गई है, तो लिंग भी एक जोखिम कारक है। अन्य जोखिम कारक हैं धूम्रपान व उच्च रक्तचाप, जिनको हम चिकित्सकीय जोखिम कारक में भी शामिल करते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि दिमाग का दौरा एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। लेकिन हम सबके मन में यह बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह दिमाग का ही दौरा है। तो इसके लिए हम आपको कुछ लक्षण बताएंगे, जिसके लिए हमें याद रखना है बी फास्ट। सबसे पहले बी से बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। दिमाग के दौरा आने की वजह से पेशेंट का संतुलन बिगड़ने लगता है, तो इसके लिए हम पेशेंट को एक सीधी लाइन पे चलने के लिए बोलते हैं। तो अगर तो पेशेंट चल पाता है तो ठीक है, अगर संतुलन बिगड़ता है तो यह एक लक्षण हो सकता है दिमाग के दौरे का। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा लक्षण है ई से आई, मतलब पेशेंट आंखों के धुंधलापन होने की शिकायत करता है, तो यह भी एक लक्षण हो सकता है दिमाग के दौरे का। अभी बढ़ते हैं तीसरे लक्षण की तरफ, उसमें हमारे पास है एफ। एफ का मतलब है फेस और चेहरा। दिमाग के दौरे की वजह से पेशेंट का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, तो इसके लिए इसको देखने के लिए हमें पेशेंट को स्माइल करने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट स्माइल करते समय पेशेंट का चेहरा टेढ़ा हो जाता है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है दिमाग के दौरे का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें है ए। ए का मतलब होता है आर्म और बाजू। दिमाग के दौरे की वजह से एक तरफ की बाजू में कमजोरी हो जाती है, इसके लिए हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करें। अगर एक हाथ नीचे की तरफ गिर जाता है तो वह कमजोरी को दर्शाता है और ये एक लक्षण हो सकता है दिमाग के दौरे का। उसके बाद है एस। एस का मतलब है स्पीच और आवाज। दिमाग की दूरी की वजह से पेशेंट की आवाज लड़खड़ाने लग जाती है, तो इसको देखने के लिए हमें पेशेंट को बोलना है, कुछ शब्द बोलने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट वो शब्द नहीं बोल पाता है या लड़खड़ाते हुए वो शब्दों को बोलता है तो वो भी एक लक्षण हो सकता है दिमाग की दूरी। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्ट्रोक यानी दिमाग के दौरे को हम कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करें। जैसे हम भारी चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर जो तली चीज़ें खाते हैं, इन सब से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही कम मात्रा में खाना है। दूसरा, धूम्रपान का सेवन ना करें। तीसरा, शराब का सेवन ना करें। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो समय पर अपनी दवाइयाँ लें, जिससे वह नियंत्रण में रहे। नियमित रूप से व्यायाम करें। वजन ज्यादा ना बढ़ने दें। मधुमेह को कंट्रोल में रखें। इन सभी उपायों से हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं।
मागी दौलत आने के पश्चात जो पहले 3 घंटे हैं उन्हें सुनहरे घंटे यानी गोल्डन आवर्स कहा जाता है। और गोल्डन आवर्स कहने का कारण ये है कि अगर इन 3 घंटों के अंतर्गत हमने रोगी को सही उपचार दे दिया तो जीने की संभावना अधिक हो जाती है, जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट हो सके और उसका उपचार स्टार्ट हो सके। उपचार के अंतर्गत टिश्यू प्लास्मोजन एक्टिवेटर थक्का नाशक दवा का उपयोग किया जाता है जिससे कि रोगी के बचने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए इन 3 घंटों को सुनहरे घंटे कहा जाता है। फिलहाल की गई रिसर्चों से यह निर्णय लिया गया है कि 3 घंटे के गोल्डन आवर्स को बढ़ाकर हम 4.5 घंटे के गोल्डन आवर्स भी बना सकते हैं। हम स्ट्रोक से बचने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयाँ यूज करते हैं, जैसे एंटीप्लेटलेट्स। ये दवाइयाँ हमारे एक घटक होता है प्लेटलेट्स नाम का, उसको आपस में चिपकने से रोकती हैं जिससे थक्का बनने की उपयोग में लेते हैं। उसका नाम है स्टेटिन। स्टेटिन हमारे खून में जो वसायुक्त कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ का एक घटक होता है उसको बनने से रोकता है। और तीसरी दवाई जो यूज हम करते हैं वो उसका नाम है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स हमारे खून में एक प्रोटीन नाम प्रोटीन होती है जो कि थक्का बनाने में हेल्प करती है, उस प्रोटीन को बनने से ये रोकता है। चौथी दवाई जो हम यूज करते हैं उसका नाम है एंटी हाइपरटेंसिव, जिनका कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उस ब्लड प्रेशर को कम करने में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज की जाती है। चौथी दवाई जो हम यूज करते हैं उसका नाम है टिशू प्लाज्मिनोजन उत्प्रेरक। ये दवाइयाँ पेन के माध्यम से दी जाती हैं। और आज आपको रिहैबिलिटेशन यानी कि दिमागी दौरे के पश्चात पुनर्वसन के बारे में बताऊंगी। दिमागी दौरा यानी कि आघात के पश्चात कुछ दिमाग के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंचती है जिसके कारण बचने वाले व्यक्ति को वो सारे कौशल यानी कि डेली और प्रतिदिन की दिनचर्या को सीखने की दोबारा जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन आपको उन कौशलों और उन दिनचर्या भरे कामों को सीखने में मदद करता है। किसी भी बीमारी में आहार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिमाग के दौरे के पश्चात मांसपेशियों की कमजोरी के कारण मरीज को खाना पकाने व स्वयं खाना खाने में कठिनाइयां आती हैं। इन सब समस्याओं के लिए विशेष प्रकार के खाना खाने व बनाने के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। रिहैबिलिटेशन के दौरान इन उपकरणों का प्रयोग करने में मरीज को निपुणता दिलाई जाती है। मरीज को डाइट में नमक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, 6 ग्राम प्रतिदिन। सब्जियों व अनाज का अधिक सेवन करना अनिवार्य है। फलों व प्रोटीन का आहार में होना अत्यंत आवश्यक होता है। आज के दौरे के मरीज को अपनी भाषा और अपने भावों को दूसरों को समझाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से उसको विशेष तरीके की स्पीच थेरेपी दी जाती है जिसमें मरीज को अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को समझाना सिखाया जाता है। फिजिकल थेरेपी, दिमाग के दौरे के मरीज की मांसपेशियां तंग और जोड़े कठोर हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए फिजिकल थेरेपिस्ट खास तरह की कसरत की सलाह देते हैं ताकि मरीज की मांसपेशियां और जोड़ों का इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी ना हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस थेरेपी में दिमाग के दौरे के मरीज को दैनिक गतिविधियां जैसे भोजन करना, स्नान करना, ड्रेसिंग आदि के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया जाता है।